हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, इबो जान से पूछता है कि जान उसे हस्बैंड के रूप में पाना चाहता है कि नहीं, और वो जान के बहुत क्लोज चला जाता है और उसके माँ उस जान के नेक के क्लोज ले जाता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, जान विस्पर किया, क्योंकि जान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसका मेट उसके इतना क्लोज होने के कारण उसके मेट के स्मेल उसके माइंड के साथ खेलने लगा था। और जान के मुंह से ये सुनते ही इबो जान के लिप्स पे अटैक किया, उसे किस करने लगा। लेकिन उस किस में ना ही लॉस्ट था और ना ही हंग्रीनेस, सिर्फ लाव था उस किस में। जान पूरा कंफ्यूज था कि इबो उसे इतना लाविंगली क्यों किस कर रहा है, जबकि इबो उसे नहीं चाहता है। लेकिन इसका आंसर उसे कौन देता, कारण इबो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था वो अचानक जान को कैसे किस करने लगा, और वो भी इतना लविंगली, इतना जेंटली। लेकिन एक चीज़ उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि वो अभी जान को किस करना स्टॉप नहीं करना चाहता है, और इसीलिए इबो किस को बिना ब्रेक किए जान को पुल किया और उस सीक्रेट हॉल में से एक रूम के अंदर गया। जान इबो के शोल्डर में टैप करते हुए कहा, सांस, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। देखा जाए तो हॉल में से रूम तक आने तक वो लोग अपना किस को ब्रेक नहीं किया था, इसलिए इबो जान के कहने पे किस को ब्रेक किया। हम लोग कहाँ हैं? जान किस की वजह से जोर जोर से सांस लेने लगा और फिर चारों तरफ देखते हुए ये पूछने लगा। वो लोग अभी जिस रूम पे खड़े थे वो रूम पूरा नीट एंड क्लीन था और पूरा ऑर्गेनाइज था। थोड़ा सा भी धूल मिट्टी कहीं पर भी विजिबल नहीं था। लेकिन इबो जान के बातों का आंसर देना तो दूर, वो तो सिर्फ जान को देखे ही जा रहा था, स्पेशली जान के लिप्स को, जो अभी उसके वजह से ही स्वेलन और रेड हो गया था। और वो मन में सोचने लगा, जान का लिप्स अभी देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इबो, जान ये कहते हुए इबो की तरफ देखने लगा, लेकिन इबो फिर भी जान की तरफ से नज़र नहीं हटाया। इबो, जान फिर से इबो को बुलाया, लेकिन इस बार इबो थोड़ा शॉक हो गया। ओ हाँ, ये कहते हुए इबो ऐसा एक्ट करने लगा जैसे वो कुछ देर पहले जान की तरफ देख ही नहीं रहा था। ये रूम किसका है? जान ने पूछा। मेरा, ये जो हॉल है इसमें से पूरा पैक हाउस नज़र आ सकता है, लेकिन मैं खुद किसी के नज़र आए बिना रहना चाहता हूँ, इसलिए ये रूम है। इबो ये कहते हुए बेड पे बैठा और जान के आंखों में देखने लगा। मैं तो जान गया, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? चारों तरफ देखते हुए जान इबो से पूछा। मुझे क्या डरना चाहिए? इबो ने भी जान से पूछा। नो, नॉट रियली, असली में मैं ये सब चीज़ का कोई केयर नहीं करता हूँ, जान खिलखिला के हंसते हुए ये कहा। तुम बहुत ही अजीब हो, इबो ने कहा। ओह वेल, थैंक यू, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा यूनिक, अनोखा, जान ये कहने लगा फेस पे एक बिग स्माइल के साथ। फाइन, तो तुम बहुत ही अनोखे हो, और ये अपना मुस्कुराना बंद करो, तुम देखने में बहुत ज़्यादा डरावने लगते हो, इबो ये कह रहा था। लेकिन एक्चुअली में जान के स्माइल उसके हार्ट बीट को तेज कर रहा था और वो ये ले नहीं पा रहा था। क्यों? बहुत सारे लोग मुझे बोला कि मेरा स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जाने कहने लगा फेस में वैसे ही बिग स्माइल लेके, और वो इबो की तरफ फेस करते हुए फ्लोर पे बैठ गया। बहुत सारे लोग? कौन? तुम्हारे सिस्टर एंड ब्रदर? और फ्लोर पे मत बैठो, इबो ने कहा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा सिस्ट हमेशा कहती है मुझे, लेकिन मैं और लोगों का बात कर रहा हूँ, जैसे कि पैक में कुछ गार्ड्स हैं, मेरा फ्रेंड है वो लोग, और कुछ कुक भी है जो लोग मुझे बोलते हैं हमेशा। और चिंता मत करो, मैं फ्लोर पे बैठा हूँ, तुम्हारा चेहरा अच्छे से देख पाऊँ इसलिए। जान ने अपना पूरा बात फिनिश किया, लेकिन इस बार इबो सिर्फ सुना कुछ गार्ड्स ने कहा है उसके मेट के स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, और ये सुनते ही वो फिर से गुस्सा हो गया। और तुमने उन लोगों को तुम्हें ऐसा बोलने दिया? इबो गुस्से में पूछा। तुम ये सब से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये तो मैं तुम्हारा मेट बनने से पहले था ना, और वैसे भी वो लोग अगर बोले भी उससे क्या, तुम तो मुझे नहीं चाहते हो ना, राइट? जान ने कहा। जान, इबो जान का नाम लेने लगा वार्निंग वॉइस में।
ये सच है, तुम मुझे नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे इतना लविंगली किस किए थे। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, और मुझे ये भी नहीं पता तुम क्यों ये सब सुन के इतना गुस्सा हो रहे हो, जान ये कहने लगा इमोशनल होके। जान, इवो फिर से कहा, नो 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 नो, दैट्स नॉट फेयर। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मुझे प्यार करे, जो मेरा ख्याल रखे। वो एक इंसान तुम क्यों नहीं बन जाते हो? मुझे पता है मैं पहले कहा था तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम अगर ऐसे एक्टिंग करोगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जान ये टूटते हुए कहा। इबो जान का बात सुन के और जान को इस हालत में देख के अपने एक हाथों से अपना फेस पकड़ लिया। तुम मेरा बात सुनोगे? और इबो ग्रोल करते हुए कहा, देखो तुम मेरे साथ थोड़ा सा प्यार से बात भी नहीं कर सकते। जान के इस बात पे इबो अपना फेस प्लम और भी ज़्यादा हर्ट करने लगा, और ये देखते हुए जान इबो के लिए चिंता करने लगा। ओ माई गॉड, तुम ठीक हो? व्हाट द हेल, तुम ऐसा क्यों किए हो? गॉड, ऐसा मत करना। जान ये कहते हुए इवो जहाँ पे फेस प्लम किया था उस स्पॉट पे अपना हाथ फैलाने लगा, और जान के टच से इवो भी अचानक शांत होने लगा। ये इतना मुश्किल क्यों है? इवो ने पूछा। क्या चीज़? जान ने भी पूछा। तुम्हारे ऊपर गिव अप करना, इवो ने आंसर दिया, और ये सुनते ही जान रब करना बंद कर दिया। नहीं, रब करना बंद मत करो, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इबो ये कहा जान का हाथ पकड़ते हुए। मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? इबो ये जान के आंखों में देखते हुए पूछा। जान तो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन इबो का टूटा हुआ वॉयस सुन के जान सोचने लगा ये कुछ सीरियस मैटर होगा, इसलिए जान आंसर दिया, श्योर। जान खड़ा हुआ और इबो के साइड में जाके बैठा। स्टील जान इबो का हाथ पकड़ा हुआ था। सडनली इबो जान को उठा के बेड पे लेटा दिया। अब वो दोनों बेड पे साइड बाय साइड लेटा हुआ था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ, जान ने कहा। बहुत दिनों पहले मैं किसी के प्यार में पड़ा था, इबो ये कहा, और ये सुनते ही जान कांपने लगा। इसलिए नहीं कि इबो किसी और के साथ प्यार का बात बोल रहा था, बल्कि इसलिए इबो प्यार का बात इतना घृणा और इतना नफरत के साथ बोल रहा था। इबो अपना और उस लड़की का पूरा स्टोरी जान को बताया, और वो स्टोरी सुनते ही जान गुस्सा और दुखी होने लगा अपने मेट के लिए। अब जाके जान को समझ में आया कि उसका मेट उसे क्यों नहीं चाहता है, और वो क्यों चाहता है कि मैं उससे दूर चला जाऊं, क्योंकि अभी तक उसका गुस्सा उसके अंदर ही रह गया है। वो ऐसा कैसे की? या मैं सच में उससे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता है ये, वो उसका कोई हक ही नहीं तुम्हें पाने का। तुमने कोई गलती नहीं की हो ये, वो किसी को प्यार करना बहुत मुश्किल काम होता है जो तुमने किए हो, लेकिन वो लड़की तुमसे प्यार नहीं की थी। जैसे ही जान इबो को ये बात कहा, जान के हाथों में इबो का पकड़ टाइट हो गया। इबो, प्यार का मतलब देना भी होता है या लेना भी और पाना भी होता है। तुम दिए तो हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं पाए हो। प्यार का मतलब उसके साइड में कोई खड़ा ना रहे, लेकिन तुम रहो। तुम तो थे, लेकिन वो नहीं थी। प्यार का मतलब सपोर्टिंग होता है, नो मैटर कोई कुछ भी बोले। तुम तो सपोर्ट किए हो, लेकिन बदले में तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला। तुम उसे तुम्हारा पूरा प्यार दिए हो, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारा टूटा हुआ दिल दिया है, जान ये सब कहने लगा। क्योंकि जान इबो को झूठ नहीं बोलना चाहता था, और ना ही कोई स्वीट बातें बोलना चाहता था, क्योंकि उसे पता है इबो अभी ये सब नहीं सुनना चाहता है। इसीलिए जान इबो को सारा सच बातें बताया। सुनो मेरा बात, तुम्हारा मेट होने के नाते ये सोचते ही मेरा दिल टूट के पीस पीस हो जाता है। फिर भी मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इससे अगर तुम हैप्पी हो सको, या फिर तुम अपना सच्चा प्यार ढूंढ सको, लेकिन मैं ऑलरेडी तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, तुम्हारे हर एक पार्ट से। मुझे पता है सब लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। प्यार में इंसान टाइम या प्लेस देख के नहीं पड़ता है, प्यार में तो ऐसे ही पड़ जाता है। कोई भी इंसान फर्स्ट बार देखने से भी प्यार में पड़ सकता है, या फिर उसे प्यार में पड़ने के लिए एक दिन लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है,
इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है कि तुम अपने प्यार के लिए क्या कर सकते हो और मैं कैपेबल हूँ मेरे प्यार के ऊपर, मेरे मेट के ऊपर, तुम्हारे ऊपर गिव अप करने के लिए। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और सच में मैं इस चीज़ का कैपेबल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें फोर्स कर सकूँ, तुम्हें मजबूर कर सकूँ तुम्हें दुखी होने के लिए। फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज के पार्ट में मैं एक ही चैप्टर एक्सप्लेन कर पाई हूँ। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे लगता है आप लोग अभी समझ गए होंगे कि मुझे असली में क्या हुआ है। इतना दिनों से बुखार था, कमजोरी था, मुझे चक्कर दे रहा था, कुछ खा नहीं पा रही थी, ये सब कुछ ठीक था, लेकिन परसों के नाइट से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बात करने में भी तकलीफ हो रहा है। अभी मैं छुट्टी में हूँ, एक रूम में बंद हूँ, इतना ज़्यादा कमजोरी हो गया है कि मैं ठीक से चल फिर नहीं पा रहा हूँ। मैं ये सब आप लोगों को कोई एक्सक्यूज देने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं ये सब बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग पूछे थे कि मैं पहले जैसा वीडियो डेली अपडेट क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए कि मैं ठीक हो पाऊँ, फिर उसके बाद मैं पहले जैसा डेली अपडेट दूँगी। तो आज का वीडियो पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय फ्रेंड्स।